गाइज, आज का टाइम ऐसा टाइम है, हर इंसान खाली टाइम में ये सोचता जरूर है कि क्यों ना दूसरा रास्ता भी अपनाया जाए पैसा कमाने के चक्कर में। और ऐसे में बहुत सारी बैटिंग एप्लीकेशन आ चुकी हैं, और जहां पर बड़े बड़े स्टार अगर उन बैटिंग एप्लीकेशन को प्रमोट करें तो भाई साहब, बड़ी बड़ी बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर कुछ बैटिंग ऐप्स हैं जो इलीगल भी हैं और लीगल भी हैं। वहीं पर अगर विराट कोहली जैसे सुपरस्टार्स, विराट कोहली जैसे स्टार्स अगर इन चीज़ों को प्रमोट करेंगे तो लोग क्यों ना उनको पर भरोसा करें। तो ऐसे में कुछ डीप फेक के मामले सामने आए हैं। सबसे पहले आप एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखो, उसके बाद हम थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन के साथ में बात करने वाले हैं। प्रसिद्ध क्रिकेटर विराट कोहली ने इसे जांचने का फैसला किया और उन्हें इसका झटका लगा। सिर्फ 3 दिनों में उन्होंने 1,000 रुपए से 81,000 रुपए कमा लिए। 2000% जीत पक्की है। एविटर एक प्रकार का गेम है जिसे हम निवेश योग्य ऐप कह सकते हैं, या मैं निवेश योग्य गेम कह सकता हूं, जिसमें आप कम पैसे खर्च करके ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास 500, 1000, 2000 रुपए हैं जिन्हें आप खर्च कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे खेलना है। उदाहरण के लिए विमान 2x, 3x, 4x, 5x गुणांक पर जाता है, आपका पैसा स्वचालित रूप से इस गुणांक से गुणा हो जाएगा। जैसे आप 500 रुपए निवेश करते हैं और विमान 4x तक उड़ता है तो आपका पैसा अपने आप 2000 हो जाएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से सभी को इस ऐप की अनुशंसा करूंगा। जैसा कि आपने देखा कुछ इस टाइप से, ये देखो अंजना कश्यप भी हैं, अपने विराट कोहली सर भी हैं, सब भी हैं, और सिर्फ एक नहीं है, यहाँ पर बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ में भी ये सब किया जा रहा है। तो ऐसे में काफ़ी सारे लोग है ना इस चीज़ के मतलब शिकार बन रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, अपने स्मार्टफोन्स को चलाते हैं, उन एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, वहाँ पर पैसा लगाना स्टार्ट कर देते हैं, फिर पैसा बैंक अकाउंट से डिटेक्ट हो जाता है, उनके बैंक उसके स्मार्टफोन्स को हैक भी कर लिया जाता है, बैंकिंग डिटेल्स भी निकाल ली जाती है, बैंक से पैसा भी निकाल लिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, स्मार्टफोन के ऊपर नज़र रखी जाती है, आप मतलब कंप्लीटली सारी प्राइवेसी छिन जाती है। और उस केस में कहीं ना कहीं आप चलो बाई चांस आपके स्मार्टफोन बैंक का पैसा नहीं निकला, बट एट द एंड आपका स्मार्टफोन कंप्लीट तरीके से उनको एक्वायर कर लेंगे, वहाँ पर ऐड शो कराना स्टार्ट कर देंगे, आपके पैसे लगवाना स्टार्ट कर देंगे, आप पैसा वहाँ पर हार जाएंगे, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और ऐसे में विराट कोहली ने भी साफ साफ मना कर दिया है कि मैंने ऐसी कोई भी एप्लीकेशन का प्रमोट नहीं किया है। बट आपकी भी खुद की कॉमन सेंस होनी चाहिए कि हमें सोचना चाहिए, पहली बात तो हमें बैटिंग एप्लीकेशन के ऊपर कंप्लीटली भरोसा नहीं करना चाहिए, वो ड्रीम इलेवन ही क्यों ना हो। मैं इस वीडियो में डायरेक्टली बोल रहा हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं कभी चलाता नहीं, और मैं सोचता हूँ कि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी सारे लोग हैं जो ये सब बैटिंग एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, ड्रीम इलेवन जैसी, और बहुत सारी नई नई बाहर आ रही हैं। तो ऐसे में उन चीज़ों को आप ना ही यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है, इन चीज़ों में मत फंसो। सोचने की बात है, लाखों करोड़ों लोग इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मुश्किल से 1 या 2 लोग ही जीत पाते हैं। तो उस केस में मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, बट इतना जानता हूँ कि हाँ ये चीज़ें एक टाइप से सट्टेबाजी वाली चीज़ होती है, और जितने लोग इससे बच सकते हैं अपने, ज़्यादातर इसमें ना यूथ फंसता जा रहा है, यूथ इन द सेंस कि मेरे जितने, मेरे से छोटे, मेरे से थोड़े से बड़े, मतलब हम उम्र लाइक आप लगा लो 15 साल से लगभग 35-40 साल तक के सभी लोग इसके अंदर फंसते जा रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम थोड़ा सा और पैसा कमाने का प्रयास करें। तो ऐसे में पैसा कमाने के चक्कर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या राय है, क्या आपने अभी तक किसी भी बैटिंग ऐप को यूज़ किया है, या फिर करने की सोच रहे हैं, या फिर आपके आसपास कोई करता है, तो ये वीडियो उन सभी के पास शेयर कर दो ताकि सब किसी की आंखें खुल जाएं। बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है, बहुत कम लिमिटेड पैसा जीत पाते हैं, एक बार जीत गए उसके बाद आप हारते जाएंगे, आपको लालच लगती जाएगी और हारते चले जाएंगे, ऐसा इस केस में होता रहता है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना गाइस, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, और या फिर वो निकल नहीं पा रहे हैं, या फिर फंसना चाह रहे हैं, कि सोच रहे हैं कि इसमें पैसा ज़्यादा बन जाएगा, वहाँ पर जाना चाह रहे हैं। और ऐसे में जिस जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वहाँ पर भी कैसिनो जैसे मामले बहुत ज़्यादा सामने आए हैं, तो उस केस में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी भी इंडिया के अंदर काफ़ी सारे लोगों को, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि इन चीज़ों से पैसा जल्दी बन जाएगा, बट एट द एंड उनका पैसा बनता नहीं, वो चला जाता है, और फिर हाथ आती है सिर्फ मायूसी। अब अगर आप कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर बताना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, फिर से बोल रहा हूँ मैं, वीडियो को लाइक मत करो, चैनल को सब्सक्राइब मत करो, बट अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर से शेयर करना ताकि जो भी इन चीज़ों में पैसा लगाने की सोच रहा है या फिर लगा रखा है वो आगे से सतर्क रहे, ये चीज़ें ना करें। और डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी जितना आज यूज़ हो रही है ना, उतना
शायद इसका फायदा भी है और उतना ही नुकसान है। टेक्नोलॉजी का यूज करके ये सारे काम किए जा रहे हैं, ये सब फेक चीजें हैं। टेक्नोलॉजी का यूज इतने अच्छे से किया जा रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो कर रहा है वो कमा रहा है, जो फंस रहा है वो फंस रहा है सिर्फ। आप भी टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज करो, इन चीज़ों के अंदर ना फंस करके दूसरी चीज़ों में अपना काम धंधा पढ़ाई लिखाई जो भी करना चाहते हो वो सब करो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।